शोभा अपनी दादी के साथ जलेबी का ठेला चलाया करती थी। उनका जलेबी का व्यापार बहुत ही अच्छे से चलता था, क्योंकि दादी माँ के हाथ का बना हुआ जलेबी सभी को बहुत पसंद आता था। उस गांव में उनका जलेबी का ठेला बहुत ही फेमस था, जिससे उनकी कमाई भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। फिर एक दिन दादी की सेहत बहुत बिगड़ गई। बेटा शोभा, मेरी सांसें कब तक मेरा साथ देगी मुझे खुद नहीं पता। मुझे डर है कि अगर मैं भी तुम्हारे माता पिता के पास पहुंच जाऊं, तो तुम्हारा क्या होगा बेटा। मैं तुम्हें पढ़ने के लिए कहती हूँ तो तुम पढ़ने लिखने से मना कर देती हो। कम से कम जलेबी कैसे बनाते हैं ये सीख लो बेटा। दादी माँ, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मेरा सोना बेटा, अब मत रो। और अगले दिन से जलेबी कैसे बनाते हैं ये उसे सिखाने लगी। शोभा बहुत जल्दी जलेबी बनाना सीख गई। दादी ने उसे बाहर काम करने के लिए भेजा। शोभा ने खुद अपना व्यापार शुरू कर दिया, पर कुछ ज्यादा ग्राहक उसके पास जलेबी लेने नहीं आते। कहाँ है तुम्हारी दादी, उनके हाथ के बने जलेबी में स्वाद ही अलग होता है। इस वजह से उनका व्यापार कुछ खास नहीं चल रहा था। फिर दादी माँ की सेहत बहुत ज्यादा बिगड़ी और एक दिन वो चल बसी। ये बात जब शोभा को पता चली वो बहुत रोई। दादी माँ उठो ना, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। दादी माँ, जोर जोर से शोभा रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुन आस पड़ोस वाले उनके घर पर आए। पड़ोसियों ने ही दादी माँ का अंतिम संस्कार भी किया। लोग बातें कर रहे थे। अब तक तो इसे दादी माँ का सहारा था, अब ना जाने इसका क्या होगा। यूँ सभी उस पर तरस तो खा रहे थे, पर किसी ने उसकी मदद करने की नहीं सोची। दिन बीते, शोभा जैसे जलेबी बनाना जानती थी वैसे वो बनाकर अपना ठेला तो चला रही थी, पर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर एक दिन रात तक उसकी जलेबियाँ वैसी ही रही। एक भी जलेबी के ना बिकने पर वो रोती हुई ठेला लेकर अपने घर वापस लौटी। इतने में जोरदार बरसात शुरू हो गई। दादी माँ, जब तक तुम मेरे साथ थी बहुत अच्छा लगता था, अब मैं अकेली हो गई हूँ। व्यापार भी ठीक से नहीं चल रहा, अब मैं अकेली कैसे जीऊंगी दादी माँ। ये कहते हुए शोभा का दिल भर आया। उसे रोते हुए उसी पेड़ पर रहने वाली एक चुड़ैल ने सुना। पर मुझे ठेले पर बहुत सारी मिठाई दिख रही है, खानी चाहिए। अपनी जादुई शक्ति से ठेले पर से सारी मिठाइयाँ ऊपर मंगवा ली। सारी जलेबियाँ हवा में उड़ती हुई उसके पास पहुँची। उसने जलेबियाँ खाई। ये कितनी बेस्वाद है। चुड़ैल गुस्से से नीचे उतर आई। किसने बनाई ये बेस्वाद जलेबी, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। मेरे जबान का स्वाद खराब कर दिया, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँ गलत नहीं होगा। यूँ गुस्से से चुड़ैल उसकी ओर देखने लगी। शोभा बहुत घबराई हुई थी। उसे डरा हुआ देखकर तुरंत चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। शोभा तुरंत वहाँ से निकली और अपने ठेले को ढकेलती हुई बरसात में ही अपने घर वापस लौटी। बरसात में भीगने की वजह से तेज बुखार के चलते वो थर थर कांपती हुई सो गई। पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल, इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। कहाँ देखा मैंने, कौन है ये लड़की। फिर अचानक उसके आंखों में आंसू आने लगे। ये तो मेरी पोती शोभा है। चुड़ैल बनने के बाद मैं सब कुछ भूल गई। आज इसे देखो तो मुझे फिर से सब याद आ गया। मैं चुड़ैल अपनी पोती के लिए बनी हूँ ताकि मैं उसकी सहायता कर सकूँ। हाय भगवान। चुड़ैल बनी दादी माँ को जैसे ही सब कुछ याद आया वो ये देखना चाहती थी कि शोभा कैसी है। वो धीरे से उसके घर पहुँची। चुड़ैल बनी दादी माँ ने अपनी शक्तियों से खुद को एक औरत के रूप में ढाल लिया। शोभा ने उससे पूछा, आप कौन हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुम्हारी मदद करने ही आई हूँ। पर आप मेरी किस तरह से सहायता करना चाहती हैं? मुझे दरअसल जलेबी बनाना बहुत अच्छे से आता है। मैं कल से तुम्हारे लिए जलेबियाँ बनाऊंगी, तुम्हारी सहायता करूंगी। मैं वैसे अकेली रहती हूँ, क्या मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। उसका इतना अपनापन देखकर शोभा ने भी हाँ कहा। फिर अगली सुबह जलेबियाँ बनाने के लिए औरत के रूप में दादी माँ अपने ठेले के पास गई। उसकी हाथ की बनी जलेबी सभी को बहुत भा रही थी और इस तरह उनकी कमाई होनी शुरू हो गई।
कमाए हुए सारे पैसे वो आकर शोभा के हाथ में दिया करती। फिर शोभा की सेहत बिल्कुल ठीक हो गई। उस औरत ने शोभा से कहा, बेटा मुझे लगता है तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, ये सारे काम मैं देख लूंगी। ठीक है, मैं कल से स्कूल जाऊंगी। फिर अगले ही दिन से शोभा स्कूल जाने लगी। चुड़ैल अपना रूप बदलकर हर रोज जलेबी बनाती और कमाए हुए उन पैसों से शोभा की पढ़ाई पूरी करवा रही थी। एक दिन घर पर जब शोभा सो रही थी, तब चुड़ैल ने अपना असली रूप लिया और जलेबी बनाने लगी। मुझे खुद की बनाई जलेबी खाकर कितने दिन हो गए। चुड़ैल जलेबियां बनाकर खा रही थी। जलेबी की सुगंध की वजह से शोभा नींद से जागी और उसने बाहर आकर देखा। उसने बाहर चुड़ैल को जलेबी खाते देखा और वो डरकर वापस अपने कमरे में चली गई। वो घर पर उस औरत को ढूंढ रही थी। वो घर पर कहीं दिखाई नहीं दी तो शोभा धीरे से खिड़की से झांक कर उस चुड़ैल को देख रही थी। उस चुड़ैल को औरत के रूप में बदलते हुए शोभा ने देख लिया। बाप रे, इसका मतलब मैं इतने दिनों से चुड़ैल के साथ रह रही हूँ, पर वो मेरी सहायता क्यों कर रही है और वो है कौन? शोभा उसके सामने गई। तुम एक चुड़ैल हो, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी सहायता क्यों कर रही हो। सच बताओ, वरना मेरे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं। औरत अपने असली रूप में यानी दादी माँ के रूप में आई। बेटा मैं ही हूँ, अगर तुमने मुझे देख लिया होता या आस पड़ोस वालों ने मुझे देख लिया होता तो वो ये सब सोचकर घबरा जाते कि इस घर पर आत्मा का साया है। इसीलिए मैं किसी नए रूप में आकर तुम्हारी मदद कर रही थी बेटा। शोभा ने जैसे ही अपनी दादी को देखा वो दौड़कर उसके पास आई। दादी माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। हाँ मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। तुम बहुत पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनना। हाँ मैं ऐसा करूंगी। सच्चाई पता चलने पर वे दोनों शांति से रहने लगे। उस औरत के रूप में दादी माँ जलेबियां बनाकर बेचती और शोभा हर दिन स्कूल जाती, मन लगाकर पढ़ाई करती थी। इस तरह उनका जीवन फिर से खुशहाल हो गया।